Hi guys, welcome back to my new vlog, and today we are going to visit the Lindt Chocolate Museum. Give you a brief history about the Lindt Chocolate Museum. मैंने जितना पढ़ा है and I'll also put the जहाँ से मैंने पढ़ा है about the history of Lindt, तो मैं उसका link नीचे डाल लूँगा description में. So basically क्या था कि initially back in 1845 there was a duo of पापा and a बेटा, तो उन लोग ने एक अपनी chocolate factory establish करने का सोचा and वो हाँ उनका ऐसा था कि 1845 तक चॉकलेट जो हम लोग को इन लोगों को बेसिकली जो यहाँ पे मिलती थी दैट वाज इन द लिक्विड फॉर्म. तो इन लोग ने सोचा कि व्हाई नॉट पुट इट इन अ सॉलिड फॉर्म एंड बिकम द फर्स्ट टू सेल द चॉकलेट्स इन अ सॉलिड फॉर्म इन ज्यूरिक. तो उन्हें 1845 में ऐसा सोचा, तो 1847 तक उनका एक शुरू भी कर लिया उन्होंने एक अपना स्टोर और स्टार्टेड विद 10 वर्कर्स जो आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है. तो एंड 1899 तक क्या हुआ था कि स्प्रिंगली एंड लिंट दे कोलैबोरेटेड विद ईच अदर और एक कंपनी बन गई थी. और दे हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन देयर टाइम्स बिकॉज उस टाइम ही था वर्ल्ड वॉर का टाइम था एंड काफ़ी दिक्कतें हुई इन्हें, बट नाउ दे आर huge manufacturers of chocolate as we all know, because yeah, chocolate kisko nahi pasand hai yaar. So stay tuned aur aage dekhte raho and I'll give guys a tour. We have now reached the Lindt home of chocolate, basically the Lindt Chocolate Museum, and let's go and check it out. Guys, right now I'm standing in front of a huge chocolate fountain और मैं आप लोग को भी अब दिखाता हूँ. So while going upstairs, आप यहाँ पे ऑडियो टूर का भी ऑप्शन ले सकते हो एंड द टूर बिगिंस फ्रॉम दिस स्पॉट. लेट्स गो अपस्टेयर्स. वी हैव स्कैंड आवर टिकट्स व्हिच कॉस्टेड अस 15 फ्रैंक्स ईच एंड वी आर 3 ऑफ अस राइट नाउ और वी आर नाउ इनसाइड द चॉकलेट म्यूजियम. लेट्स स्टार्ट. सो द ट्री यू आर सीइंग राइट नाउ, इससे बेसिकली सारे लिंट की चॉकलेट्स हैं जो बनती हैं. द कोको कम्स फ्रॉम दीज ट्रीज और ये ट्री सिर्फ एक डेजिग्नेटेड एरिया में ही हैं एंड इट इज़ प्योरली ओन्ड 100% फार्मिंग ऑफ दीज कोको प्लांट्स इज ओन्ड बाय द लिंट. ऑलराइट गाइस, सो द फर्स्ट स्क्रीन जो हमें अभी दिख रही है यहाँ पे क्या होता है कि दे बेसिकली कलेक्ट ऑल द फ्रूट्स विच बेसिकली बेयर द कोको सीड्स और उसके बाद ये सारा फर्मेंटेशन की तरफ जाता है वेयर इन बहुत सारे लोग होते हैं साथ में बैठते हैं एंड दे बेसिकली कट ऑल दीज फ्लावर्स टू पुल आउट द सीड्स और फिर उसको एक जगह ले जाके दे पिक अप बाय हैंड और उसको फैलाया जाता है. फिर आफ्टरवर्ड्स ये पूरा एक जूट में डाल के दिस इज बेसिकली मूव्ड फर्दर फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉकलेट. और अभी जो आपको दिख रहा है ये सारे रियल सीड्स हैं कोको के. पूरा हिस्ट्री लिखा है कि कोको का कहाँ से वो शुरू हुआ, कौन से ईयर से, मतलब 3000 BC के अराउंड से पहले से पूरा कोको का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हुआ था. सो द मशीन विच यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ द मशीन जो लिंट में पहले यूज़ होती थी, मतलब चॉकलेट लिंट में पहले कैसे बनती थी ऐसे ही मशीन थी जो पहले यूज़ किया करते थे लोग मेक द चॉकलेट.
okay, coming back from the tour was basically बहुत अच्छा and now I've arrived a place जहाँ पे यार इन लोगों ने मतलब evolution of chocolate का पूरा दिया हुआ है starting from the 1950s till the 1960s I guess and the chocolate in wrappers में आती थी पहले and how the chocolate has evolved from the past till the 1960s. Guys, this is legit a heaven place because यहाँ पे आप unlimited chocolate खा सकते हो and chocolate is yum. It's literally बहुत बहुत tasty है. 15 फ्रैंक का टिकट है मेरे हिसाब से तो वसूल हो जाएगा यार ऐसे ही कि मस्त खा रहे हैं यहाँ पे हम लोग. क्या प्रेस करना है? खींचना है, सो खींच. वाइट चॉकलेट खाते हैं. क्या ये बहुत सही पार्ट है, जितनी चॉकलेट खानी खा सकते हो सब फ्री में. वाइट चॉकलेट. चेक आउट दिस थिंग गाइस, यहाँ पे आप कुछ जितनी चॉकलेट खा रही है खा सकते हो. लड़के लगे पूरे 15 रुपये अपने वसूल करने में. अच्छा एक्चुअली खाते हैं यार हम भी. मेरा है लिंक. हाथ नीचे करो, खाते रहो चॉकलेट बस. इट्स टोटली वर्थ इट. 15 रुपये आई डोंट थिंक कहीं गए हम लोगों के. सब पहले जा रहे चॉकलेट. सब फ्री का माल पेलो बस. देखो कैसे ले देखा एक बार, पूरे प्रोसेस बताओ भाई. इधर इसको ग्रीन होने का वेट करने का एंड देन हाथ डालने का. यहाँ डालो नीचे. देखो ग्रीन हो गया ना. ये ट्राई करते हैं कौन सा है. पीस दिखाओ. लो एक किलो. भाई ये अल्टीमेट है. ऑरेंज फ्लेवर है. ऑरेंज बहुत फ्लेवर्स यहाँ पे आपको जितने फ्लेवर्स दिख रहे हैं ये सारे फ्लेवर्स हैं. आई थिंक एक तो लेमन दिख रहा है मेरे को, दूसरा ऑरेंज, वो अदरक है क्या, जिंजर फ्लेवर की भी चॉकलेट एंड ये मिंट. दिस इज हेवन. दिस इज लेजेंड. ये सारे फ्लेवर्स की चॉकलेट है. दिस इज स्ट्रॉबेरी एंड आई थिंक पेपर. ओके आलमंड सिनेमन हेजलनट कॉफ़ी. यार क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं. अब ये लड़के रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ खाया जा रहा है. 15 रुपये वसूलने कोई बात नहीं, हम भी खा रहे हैं यार. मतलब फ्री की तो वाई नॉट. फ्री की नहीं एक्चुअली, उन्होंने थोड़ा सा पे किया बट हाँ दैट वाज वर्थ इट. और ये सब भी चॉकलेट्स हैं. यार मेरे को लगता था अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, कोई फ्री का मिला तो बैग भर लो. बट यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं कि कर रहे हैं लोग ऐसा. These all are free. आपको जितना खाना है खाते रहो. आज पहली बार आई थिंक मैंने इतनी चॉकलेट खाई है कि चॉकलेट ना खाने का मन कर रहा है. बहुत बहुत खाई है कम से कम मैंने. नहीं तो I still have one left with me which is this one. I need to try. देखता हूँ कैसी है. बट ऐसी मैंने कम से कम अभी मैंने 10-12 चॉकलेट ऑलरेडी खा चुका हूँ. और भी अभी जैसे बेकरी नियर बाय जहाँ पे हॉट चॉकलेट एंड ये एंड कपल ऑफ थिंग्स है जहाँ पे लोगों ने बोला कि दैट इज़ अ मस्ट ट्राई ओवर देयर, तो वहाँ पे जाके भी खाएंगे. अभी तो दिन भर ही चॉकलेट ही चॉकलेट है आज. ऑल्सो अ शाउट आउट टू वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, उसका आज बर्थडे है. सो यू नो हु यू आर. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. कम ऑन रॉन बैक, स्कैन करो. कुछ हुआ क्या? प्रोसेस स्टार्ट अभी हो, यहाँ से स्टार्ट या ही नहीं अंकल.
पर अंकल जी से चॉकलेट लेके हम लोग नीचे आए हैं एंड देयर इज अ लिन शॉप एंड लेट्स जस्ट गो इनसाइड. आई एम प्रीटी श्योर कि सिर्फ चॉकलेट्स ही होंगे अंदर. ऑब्वियसली चॉकलेट्स ही हैं. डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज. हाँ, वाइट चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट. Comment down below if anyone wants me to bring a chocolate, a Lindt chocolate from this Lindt factory. I'll make sure ki I bring a chocolate for you. I think ये वाली चॉकलेट है जो मैंने इंडिया में देखी है. But इतनी obviously इतने वैराइटी से नहीं होंगी. कितनी चॉकलेट जाओगे रे अरुण भाई? अरे यार वजन ही नहीं है इस बार. बस इतनी थोड़ी सी. एक थोड़ी थोड़ी सी. Guys, this was it for the Lindt chocolate vlog and now we'll be heading towards the Zurich Lake or third time wahan se spend karke we'll head back and I think kahin jaake to let's go and have dinner and then back to home. So thank you for watching this vlog guys. If you like this vlog, please 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 comment, share, like, subscribe to my channel. It keeps me motivated to make more and more vlogs of the Zurich and the places I go. So thank you, take care, bye bye.